HPS हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। यह स्टूडियो मास्टर का 2000 वाट का पावर एम्पलीफायर है। तो चलिए देखते हैं यह चैनल वन का नॉब है। यहाँ पर सिग्नल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। ये पावर स्विच है इसमें और ये स्टूडियो मास्टर का लोगो और ये दूसरे चैनल के लिए वॉल्यूम नॉब और सिग्नल क्लिप और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हाई डंपिंग फैक्टर का लोगो लगा हुआ है जो कि काफ़ी ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखते हैं यह फैन के लिए पीछे एक वेंटिलेशन के लिए जगह दिया हुआ है। ये चैनल आउट के लिए दिया हुआ है और यहाँ पर चैनल इनपुट के लिए एक जैक पिन और एक एक्सएलआर पिन दिया हुआ है। यहाँ पर सेंसिटिविटी सेलेक्ट करने के लिए स्विच, ये लिमिटर और लो कट। यहाँ पर मोड सेलेक्टर स्विच है, अपना मोनो, स्टूडियो और ब्रिज मोड हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही चैनल वन के लिए सेम दिया हुआ है और यह चैनल वन का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इंटरनल पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर है जो कि काफ़ी ही हेवी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ पर फैन लगी हुई है दोनों चैनल के लिए अलग अलग और ये हमारा इनपुट आउटपुट बोर्ड है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगी हुई है जो कि 5200 और 1943 लगा हुआ होता है जो कि तोशिबा का मॉस्फेट होता है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। रेजिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फ्यूज लगी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और आपकी जो नई डिमांड होगी तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे और आपकी रिक्वेस्ट पर नए वीडियो ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद।